हेलो एवरीवन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल सेल क्या होता है किसने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर्ड किया था जो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड हुआ था वो डेड था या लिविंग था ये सब हमने डिस्कस किया तो हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट सेल है डेड सेल वो किसने डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने जो लिविंग सेल था फर्स्ट वो डिस्कवर्ड किया था एंटोन वैन लिवेन युक ने उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सेल के कंपोनेंट डिस्कवर्ड किए गए तो जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट ब्राउन ने पुरकिंजे जो थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया प्रोटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्म को बोला एक लिविंग फ्लूइड है एक लिविंग सब्सटेंस है जो किसी भी सेल्स के सेल के अंदर प्रेजेंट है उसके बाद हमने देखा कि जो सेल डिस्कवर्ड हुआ सेल की डिस्कवरी सामने आई तो उससे रिलेटेड थ्योरी हमने पढ़ी सेल थ्योरी सेल थ्योरी जो थी फर्स्ट किसने प्रपोज की थी शील्डन एंड शुवान ने शील्डन एंड शुवान की इस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आए अनादर साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ रोडोल्फर्चो रुडोल्फ विर्चो ने एक फ्रेज दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला जिसका मतलब था कि जितने भी नए सेल्स से, हैं वो कहाँ से आए हैं पुराने सेल से ये था पूरा सेल से रिलेटेड उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ी माइक्रोस्कोपी क्या होता है कि एग्जामिनेशन होता है किसी भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट का विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को माइक्रो स्कोप की हेल्प से देख रहे हैं उसके बाद हमने देखा माइक्रोस्कोप क्या होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो छोटे बिल्कुल टाइनी ऑब्जेक्ट जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसका इन लार्ज इमेज वो हमें प्रोवाइड करता है माइक्रोस्कोप के हमने टाइप्स देखे लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप देखा हमने सिंपल लेंसेज यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन इधर लाइट यूज की जाती है एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन जो फर्स्ट लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो किसने डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने उसके बाद उसमें और अच्छा जो डेवलपमेंट किया वो किसने किया वैन लिवेन हुक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था वो किसने डिस्कवर्ड किया था नॉल रुस्का ने हमने ये भी देखा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो पहले हमें उसको स्टेन करना पड़ता है कुछ केमिकल्स कलरफुल केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं स्टेन्स बोलते हैं तो पहले हम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं स्टेनिंग क्या करती है किसी भी सेल के पट को क्या करती है वो हाईलाइट करती है जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जब हम रिविजन करें तो हमारे लिए ईजी हो इसी तरह से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो पहले हम उसको क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेन जो कलरफुल केमिकल्स हो गए डाइज हो गई उससे हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन का पूर, पूरा डिटेल हम स्टडी कर सकते हैं अब एनिमल सेल के लिए जो कॉमनली स्टेन यूज होती है वो है मिथिलिन ब्लू प्लांट के लिए जो यूज़ की जाती है वो है सेफरेनिन सेफ्रेनिन आ, तो ये सब था हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल साइज हमने सेल के बारे में पढ़ा कि वो एक बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन अब जितने भी सेल्स हैं उनकी साइजेस क्या होती है सबकी अलग अलग एक दूसरे से वो डिफरेंट है कुछ सेल बहुत ज़्यादा छोटे हैं कुछ सेल थोड़े मीडियम साइज के हैं कुछ सेल थोड़े बड़े हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है पी पी एल ओ स्मॉलेस्ट सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ यहा हम उसको बोल सकते हैं माइकोप्लाज्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लू, आ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये बात हुई सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अब हम देखते हैं लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा होगा लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच का जो एग है वो क्या है लार्जेस्ट सेल है एग भी क्या होता है एक सेल है ऑस्ट्रिच एग उसके अब बाद हम देखेंगे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सा होगा लॉन्गेस्ट एनिमल सेल लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है नर्व सेल नर्व सेल जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं जो नर्व इंपल्स uh, को कंडक्ट करवाते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन से लेके जाते इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक और ब्रेन से पूरा मैसेज पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेकर आते हैं तो हमारा एनिमल uh, में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो है नर्व सेल उसके बाद है लार्जेस्ट प्लांट सेल लार्जेस्ट प्लांट सेल जो कि है एसिटाबुलैरिया एसिटा बुलेरिया जो है वो प्लांट का लार्जेस्ट सेल है एसीटा बुलेरिया एक एलगी होता है नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल लॉन्गेस्ट प्लांट सेल तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल से हेम्प फाइबर जो हेम्प ट्री से मिलता है ये फाइबर जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो है वो है हेम्प फाइबर उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर कौन सा होगा लार्जेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूम लार्जेस्ट सेल है एग सेल एग सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है क्योंकि इसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट कंटेंट हो, होता है आने वाले सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसके बाद जो स्मॉलेस्ट सेल है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल वो है स्पर्म सेल जो सबसे छोटा होता है ह्यूमन्स में सेल वो है स्पर्म सेल तो ये है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ जो कि एक बैक्टीरिया है लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या है ऑस्ट्रिच एग लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल लार्जेस्ट प्लांट सेल होता है एसिटा जो कि एक एल्गी है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होगा हेम्प फाइबर जो है ट्री से मिलता है जिससे बेस्ट क्वालिटी के पेपर्स बनाए जाते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस कौन सा है एग सेल एंड स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है स्पर्म सेल तो ये तो बात हुई सेल साइज़ की अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल शेप अब हर सेल का जैसे साइज डिफरेंट है वैसे ही शेप भी क्या होती है डिफरेंट होती है इनकी शेप किससे रिलेटेड होती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो जितने भी सेल्स हैं एनिमल्स में उन सबकी शेप्स क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सेल शेप सेल की शेप जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू फंक्शन फर्स्ट फ्लैटेंड सेल स्किन सेल्स जो स्किन की अपर लेयर होती है उसके जो सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है फ्लैट शेप नेक्स्ट कॉलमनर सेल्स कॉलन कॉलमनर जो सेल होते हैं इनकी शेप कैसी होगी कॉलम जैसी होगी और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में सेल्स इन इंटेस्टाइन नेक्स्ट वन इज बायकॉन्केव और स्फेरिकल ये होती है आरबीसी आरबीसी की जो शेप होती है जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स इनकी शेप कैसी होगी बाइकॉनकेव या स्वेरिकल आर जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि आर को रेड कलर प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी में इनका फंक्शन क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो जो ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है आर तो आर की शेप कैसी हो गई बाइकॉनकेव एंड स्पेरिकल शेप हो गई उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ स्पिंडल शेप्ड स्पिंडल शेप जो होती है वो होंगी स्मूथ मसल्स की स्मूथ मसल्स जो हैं इन वॉलेंट्री मसल्स हैं इनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल होती है क्योंकि इनको क्या करना रहता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला वर्क स्मूथ मसल्स इनकी शेप है स्पिंडल शेप नाउ उसके बाद आता है बीन शेप बीन शेप्ड का जो सेल होते हैं वो होते हैं गार्ड सेल वो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को और उसकी क्लोजिंग को तो फिफ्थ वन इज़ बीन शेप ये होती है गार्ड सेल्स की नेक्स्ट वन इज इलोंगेटेड सेल, सेल मतलब जो थोड़े लंबे होते हैं जो कि हमने पहले डिस्क डिस्कस किया था कि जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सा सेल होता है नर्व सेल तो इलोंगेटेड सेल कौन से हो गए नर्व सेल्स ये हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस सेल की हमने देखा जो फ्लैटेंट शेप थी फ्लैटेंट शेप थी किसकी स्किन की कॉलमनर सेल्स कहाँ पे मिलेंगे जिनकी शेप कैसी होगी कॉलम जैसी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लाइनिंग होती, वो होती है? जो है वो कौन से सेल्स की बनी होती है कॉलमनर सेल बाय कॉन्केव या इस्फेरिकल बायकॉनकेव या जो स्फेरिकल होते हैं वो कौन से होंगे आर रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन उसके बाद स्पिंडल शेप के जो सेल्स होते हैं वो कौन से होंगे स्मूथ मसल्स के बीन शेप्ड होते हैं गार्ड सेल्स जो क्या कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें पता है स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीवस पे प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के लीवस के अंदर एंटर करता है ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है और अगर प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर है तो बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो एक्सेस वाटर वहाँ से एवोपरेट होता है उसके बाद इलॉन्गेटेड सेल जो थोड़े लंबे होते हैं वो सेल्स हैं नर्व सेल्स अगर हम देखें कॉलमनस सेल्स तो वो इस तरह से होते हैं कॉलम जैसे होंगे इस तरह से सेल प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका मेन काम क्या है वहां पर एब्जॉर्बन करते हैं ये जो भी डाइजेशन हुआ है न्यूट्रिएंट्स का उनको क्या करेंगे ये एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद अगर हम देखें आरबीसी जो मैंने बोला है बाइकॉनकेव या स्वेरिकल होता है तो वो इस तरह से होते हैं ये हैं कॉलमनर दिस वन इज स्वेरिकल अगर मैं इलांगेटेड सेल्स की बात करूं तो इलांगेटेड सेल जो नर्व सेल्स होते हैं वो इस तरह से होंगे कुछ इस तरह से उनकी शेप होती है इस तरह से इलांगेटेड होते हैं ये है नर्व सेल नर्व सेल का काम होता है इम्पल्स को कंडक्ट करना पर्टिकुलर ऑर्गन से पर्टिकुलर ग्लैंड से इंफॉर्मेशन कहाँ तक लेके जाते हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड फिर वहाँ से वो पूरा मैसेज वापस कहाँ तक लेकर आते हैं वो मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज को पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर ग्लैंड तक तो उनकी शेप इस तरह से होती है तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट शेप सब अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं ये बायकॉनकेव या स्फेरिकल है क्योंकि इसको बहुत रैपिडली क्या करना पड़ता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब पूरी होती है जब पर्टिकुलर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है उसके बाद ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में फिक्सड है इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड है ये अपनी शेप को कभी भी चेंज नहीं करते लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी शेप को क्या करते हैं चेंज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अमीबा अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है इस तरह से इस तरह से उसकी इरेगुलर शेप है अब जब भी उसको अपना फूड ऑप्टेन करना होता है तो वो क्या करता है इसी शेप को चेंज करता है फॉल्स फीड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं सूडोपोडिया सूडोपोडिया से क्या करेगा वो अपने फूड को इनगल्फ कर लेगा तो ये इसकी शेप कभी भी एक फ़िक्स्ड नहीं होगी ये हमेशा अपनी शेप को क्या करेगा चेंज करता रहेगा उसके बाद हमारी बॉडी में ऐसे जो आ, सेल्स हैं जो अपनी आ, जिनकी इरेगुलर एर, शेप होती है वो है डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी जो है वो है वाइट ब्लड सेल जिनको हम बोलते हैं सोल्जर्स सो ऑफ आर बॉडी वाइट ब्लड सेल इनको कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी क्योंकि ये हमें ये क्या करते हैं फ़ाइट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर हो गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है डब्ल्यू इनकी शेप भी रेगुलर नहीं होती इनका काम होता है बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो उसको इनगल्फ करने का तो हमने ये इससे ये हमें पता लगता है कि हाँ कुछ सेल ऐसे होंगे जो फिक्स्ड होंगे जिनकी शेप एकदम फिक्स्ड होंगी कुछ ऐसे होंगे जिनकी शेप कैसी होती है इ अपनी शेप को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो हमने यहाँ डिस्कस किया सेल की शेप वो किससे रिलेटेड होती है फंक्शन से कि पर्टिकुलर सेल क्या फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या होती है शेप होती है सिर्फ फ्लैटिन शेप है किसकी होगी स्किन सेल्स की जो अपर लेयर होती है स्किन की उसके बाद है कॉलमनर सेल्स कॉलमनर सेल्स कहाँ पे होंगे इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होगी उसकी जो सेल्स होंगी वो कैसे होंगे कॉलमनर जिसकी शेप हमने यहाँ पर देखी उसके बाद होते हैं बाइकॉनकेव या स्फेरिकल वो किन हो की होगी आर की होगी ये क्या ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड सेल ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन उसके बाद है स्पिंडल शेप्ड स्पिंडल शेप्ड होती है स्मूथ मसल्स की और वो कुछ इस तरह से होती है इस तरह से उनकी शेप होती है इनका काम क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का उसके बाद बीन शेप देखा बीन शेप जो होती है वो स्टोमेटा की सॉरी गार्ड सेल्स की होती है जो क्या कंट्रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स पर जो जिसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होगा एक्सेस वाटर है तो थ्रू थ्रू वो बाहर एवोपरेट हो जाएगा उसके बाद इलॉन्गेटेड सेल इलॉन्गेटेड सेल जो हैं वो नर्व सेल्स होते हैं थोड़े लंबे होते हैं इनकी साइजेस जो होती हैं वो ओवर वन वन मीटर तक भी ये होते हैं इनकी साइजेस ये हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं इनका काम होता है इम्पल्स को कंडक्ट करना तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया सेल की साइज सारे सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं किसी भी ऐसा नहीं है कि सारे सेल एक साइज के हैं कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं कुछ बहुत बड़े हैं कुछ मीडियम साइज़ के हैं इसके बाद हमने डिस्कस किया सेल की शेप थैंक यू